हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन एसआर एडिटिंग जोन। दोस्तों आज मैं आपको सीबी एडिटिंग में भाई फेस स्मूथ कैसे करते हैं, वो भी सिर्फ स्नैपसीड एप्लीकेशन की हेल्प से। ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये काफी यूनिक है और बिल्कुल सीक्रेट वाली ट्रिक है, आपको काफी मजा आएगा। सो प्लीज दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको ये चीज अच्छे से सीखनी है। दोस्तों ऑटोडेस्क से आप एडिटिंग करते हो लेकिन जो टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं फोटो का खो जाता है, सो आप ये ट्राई करना ठीक है। अभी देखिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, काम की बात होगी, काम चलेगा ठीक है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे मेरी आने वाली वीडियोस के कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो ठीक है। और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, टारगेट है 10,000 लाइक्स का, तो प्लीज 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 करवा दीजिएगा। दोस्तों हम स्नैपसीड फोटो में ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज। देखिए मैंने बैकग्राउंड पहले से ही बना के रखा हुआ है ठीक है। सो इस वाले बैकग्राउंड को कैसे करना है अगर आपको जानना है तो प्लीज 10,000 लाइक्स का टारगेट है, भूलिएगा मत। तो ब्रो डबल एक्सपोजर में जाकर बैकग्राउंड हमने लिया, इसकी ओपेसिटी फुल एंड अभी हम लोग व्यू एडिट से इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करेंगे जो आपको करना आता ही होगा है ना। तो मैं वीडियो में ही करता हूं सो ये पार्ट हम स्किप कर लेते हैं। चलिए ओके, तो बैकग्राउंड हो गया चेंज। चलिए बातें हैं मेन टॉपिक पर। आप देखिए मॉडल का फेस काफी ज्यादा खराब है और एक तरफ जहां रोशनी है वहां दूसरी तरफ परछाई फेस पर आ रही है। सो इसको फिक्स करने के लिए अभी हम चलते हैं डबल एक्सपोजर में। यहां से आपको इमेजेस में जाकर ये वाला कलर लेना है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, यही वाला। देखिए मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ ठीक है, तो सीख लीजिए, सीखा हुआ कभी जाया नहीं जाता है, काम ही आएगा आपके। दोस्तों अभी इसकी ओपेसिटी से छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी है आपको उतनी ही रहने देनी है। अभी ओके कर लेना है। अभी हम व्यू एडिट में जाकर ये आंख वाला जो आइकॉन है ना, हाँ इसको ऑन कर लेंगे ओके। डबल एक्सपोजर को 100 करके ऐसे ब्रश फिराना है जैसे मैं कर रहा हूं, फिर आप देखिएगा जादू। दोस्तों पूरे पे करना है ठीक है, हेयर को छोड़ के। और हाँ बालों के पास इसकी ओपेसिटी 25 करनी होगी, सो अच्छे से कर लेंगे। ओके चलिए गले पे भी कर लेते हैं। जो अभी पार्ट शो हो रहा है अभी हैंड पर भी ब्रश करना है। So, complete हो गया। अभी आंख को खोलते हैं ठीक है। अरे वाह यार गजब, मजा आ गया, आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया है, वाह कमाल। Without Autodesk app के face mode, तो like करो मेरी जान इसी बात पे। वैसे एक बात दिल से बोलूं, थोड़ा fake सा लग रहा है फोटो, तो कोई बात नहीं, फिक्स करना भी सीख लो। पहले लिप्स मॉडल के बहुत ज्यादा डार्क जो हो रखे हैं हम वो सही करते हैं ठीक है। सो ब्रश में जाकर सैचुरेशन ब्रश को 10 पर करके, जी हाँ 10 पे करके ब्रश कर लेंगे लिप्स और सनग्लासेस पर भी। अभी फोटो में चमक और थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए डिटेल्स पर हम जाकर इसके स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे
और शार्पनिंग को भी। ओके सो अभी व्यू एडिट में जाकर दोस्तों यहां हमें केवल कुछ सिलेक्टिव पार्ट पर ही इफेक्ट डालना है। बैकग्राउंड वगैरह पे नहीं। सो देखिए अच्छी खासी चमक आ जाएगी। ओके करते हैं और सिलेक्टिव टूल से आप टी शर्ट पर और चमक डालने के लिए स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं और फेस की सैचुरेशन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फोटो में कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ब्राइटनेस वगैरह की जरूरत हो ना तो आप ट्यून इमेज से बढ़ा लेना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ देखिए अगर यही बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं थोड़ा सा घटा देना, ठीक है, इससे क्या होगा आपकी जो फोटो होगी ना यार वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप एक काम जरूर कीजिएगा, टूल विज ऐप से इफेक्ट में जाकर सॉफ्ट स्मज का यूज कर लेना। फेस से हटा देना। तो यार बड़ी गजब की एडिटिंग हो गई, कैसी लगी मेरी जान प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के उतना परफेक्शन नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूं तो फटाक से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।